Okay, class, today's topic is conflict management. Objective जो है वो आपके हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ पे नाम से. By the end of this lecture, we are able to define conflict, describe conflict, describe the advantages and disadvantages of the conflict, depict the types of the conflict and explain the conflict process. मॉडल. सबसे पहले तो शाहरुख, आप मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे से आप कहाँ थे. ठीक है, मुझे आपने बड़ा सवाल किया है, मुझे आप ये बताएं कि आप ऑनलाइन क्लासेस में किधर थे जो आज आप मुझे सवाल कर रहे हैं. ठीक है, पहले आप मुझे अपनी जस्टिफिकेशन दें, फिर मैं बताती हूँ मैं कहाँ थी. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रियल. नहीं, सारे की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है ना, उसके ऊपर सब्जेक्ट नहीं हम लिख देते, वो रिजल्ट के सिलसिले में मैडम तो पैदा ने बुलाया हुआ था. अच्छा, रिजल्ट पोस्ट आ रहे हैं, सबमिट करवाया था ना, उसके सिलसिले में बुलाया हुआ था, वो फिर डिस्कशन चले. अच्छा जी, कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रियल और परसीव डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स वैल्यूज आइडियाज एटीट्यूड बिलीव फीलिंग और एक्शन. ठीक है, अपना इंटरनेट रिफ्रेश करें, आवाज़ का तो मेरा ख्याल इधर. हाँ जी, अब देखें सबको आवाज़ आ रही है. हाँ जी वरदा, आवाज़ आ रही है, देखें बेटा. अच्छा, हमारे जो अपने पर्सनली इंडिविजुअल बेस्ड आइडियाज़ हैं, एटीट्यूड हैं, बिलीफ हैं, फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रसीव्ड और क्या कहते हैं जो आपका रियल डिफरेंस अगर कहीं पे क्रिएट हो जाता है रियल और प्रसीव्ड के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेज्ड हो जाता है. ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है और हम उसको प्रसीव्ड किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान का जो फ़र्क होता है वो क्या होता है, वो कन्फ्लिक्ट होता है. अब वो हमारे वैल्यू बिलीफ भी हो सकते हैं, वो हमारे पर्सनल आइडियाज़ भी हो सकते हैं, हमारा पर्सनल एटीट्यूड भी हो सकता है. ठीक है, फीलिंग्स हैं, एक्शन है. ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे भी आपके रियल और परसीव्ड वैल्यू बिलीफ आइडियाज़ एटीट्यूड के कॉन्सिक्वेंसेज में डिफरेंस डिवेलप होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेज हो गया. अच्छा, अब कुछ मैनेजमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉम्पिटेटिव कन्फ्लिक्ट है. ठीक है, मतलब कि कन्फ्लिक्ट आने से दो पार्टीज़ की आपस में क्या शुरू हो जाती है, कॉम्पिटिशन, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं. प्रोवाइड हाइटेंड सेंसिटिविटी टू एन इशू. ठीक है, और उस इशू को जो है वो एक सेंसिटिविटी मिल जाती है अगर वो किसी प्लेटफॉर्म के अंदर, प्लेटफॉर्म के ऊपर वाकई उसको सेंसिटिविटी की नीड है और हाईलाइट होने की ज़रूरत है, तो उसको सेंसिटिविटी मिल जाती है. पाइकिंग द इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी. ठीक है, और आप क्या करते हो, आप जो है वो टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके अंदर क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. उसके बाद आता जाता है इंक्रीज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, एंड डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, और न्यू आइडियाज़ आप में डेवलप हो जाते हैं. मोटिवेट टू एम्प्लॉय फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. और आप क्या करते हो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जब दो पार्टीज़ के दरमियान होगा तो ये हमें उसका एडवांटेज होगा. डिसएडवांटेज भी दूसरी तरफ है, हर चीज़ के जैसे एडवांटेजेस हैं, प्लस पॉइंट हैं, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट में डिसरप्टिव कन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या करता है कि डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. ठीक है, डिस्ट्रप्शन कॉज करता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है दो पार्टीज़ का. ठीक है, और प्रोफेशनली ये सूट नहीं करता कि दो प्रोफेशनल जो हैं वो ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट आप एग्रेसिवली बिहेव करें, आप अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को भूल जाएं, ह्यूमैनिटी को भूल जाएं. ठीक है, मार धंगा फसाद और ठीक है वर्बली एक दूसरे को अब्यूज़ करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फ्लिक्ट. इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन और एंगर. ठीक है, और इसी कन्फ्लिक्ट की बेस पे जब आपका जो ऑपोजिट पार्टी होती है या जो आपका कॉम्पिटिटर होता है उसको आपके लिए और आपको उसके लिए जो है वो एक दूसरे के लिए क्या है, एंगर पैदा हो जाता है. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है. ठीक है, इंक्रीज एरर्स. ठीक है, जब आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो आपकी जो गुड परफॉर्मेंस होती है वो भी इफेक्ट करती है, एरर आते हैं उसमें. ठीक है, एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, किसी भी चीज़ के इलनेसेस आ जाती हैं. इलनेसेस मतलब ज़्यादातर अगर आप एज अ मेडिकल प्रोफेशन, आपको पता है
के मैनेजमेंट साइज या एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर जो है वो जितना ज़्यादा बर्डन होता है, जितना प्रेशर होता है, वहाँ पे ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एपीडी, ठीक है, स्टमक प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहे होते हैं। और अगर आप देखें ज़्यादातर के जो आपके जितने भी ये हाई एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे आपके जो डिफरेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल्स की, अगर आप इनको एडवांस एज के अंदर देखें तो एट द एंड ऑफ देयर लाइफ इनकी ज़्यादातर जो एंड ऑफ लाइफ है वो कार्डिक प्रॉब्लम के साथ होती है, डायबिटीज़ के साथ होती है, ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ होती है। मोस्टली जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको एट द एंड ऑफ लाइफ शंट ही डले होते हैं, कार्डिक शंट डले होते हैं उनको, ठीक है। तो वी कैन से कि मतलब उन्होंने सारी अपनी ड्यूटी जो होती है, अपनी जो जो भी उनका जेडी है वो यही होती है कि दो लोगों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट को मैनेज करवाना, ठीक है। वो नर्सिंग लेवल पे है, वो वार्ड बॉय लेवल पे है, ठीक है, वो आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है उस लेवल पे है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उस लेवल पे है, ठीक है, पेशेंट बर्डन है उस लेवल पे है, मशीनरी है उस लेवल पे है। तो मतलब ओवरऑल वो जो एक सुपरिटेंडेंट है नर्सिंग की या मेडिकल का, उसके ऊपर खासा बर्डन होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसको फिजिकली इलनेस भी आती है, और फिजिकली इलनेस के साथ साथ वो मेंटली भी जो है वो थक जाता है, और एक अरसे से अगर वो इस चीज़ को लेके चल रहा है, उसका प्रोफेशन है, तो मेंटली इलनेस के चांसेस भी होते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी जो है वो डिवेलप हो सकते हैं, क्रिएट रिटेलिएशन, ठीक है, प्रोजेक्शन, डिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, सप्रेशन, रन अवे स्ट्रेटजी सच एज रेजिग्नेशन और फ्लाइट इनटू फैंटेसी, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा सैचुरेट हो जाओ कि अब आपकी बर्दाश्त से हद पार हो जाए, ठीक है, यू कैन से, तो आप रिटेलिएट कर जाते हो, ठीक है, आप अपना रिवेंज शो करते हो, ठीक है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर वही आ गया ना, मेंटल इलनेस से स्टार्ट हो जाती है, एक्सप्रेशन होती है, आप जो एक सेट स्ट्रेटजीज पॉलिसीज बनी हुई होती हैं आप उनसे दूर भागते हो, ठीक है, और आप फाइनली क्या करते हो कि आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर रेजिग्नेशन और फ्लाइट इन टू फैंटेसी, और आप सुकून की दुनिया में जाना चाहते हो बिकॉज यू कैन नॉट बियर अ प्रेशर ऑफ लाइक दैट, ठीक है। तो आपकी मतलब कह लें कि वो सैचुरेशन पॉइंट से भी अगर पीक आ जाए और बाउंड्री वॉल्स से चीज़ें जो है वो बाहर निकल जाए तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, स्केप गॉड लाइक एनिमी में अगर, ठीक है, और आपको अगर कुछ अच्छे आपके सराउंडिंग में भी आपका पीयर है तो वो आपको बुरे लगना शुरू हो जाएंगे, आप उनको एनिमी लाइक बिहेव करेंगे, एनिमी लाइक उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका ओवरऑल जो एक सोचने का अंदाज है चीज़ों को लेके वो बदल गया होता है। डिफ़िकल्ट टू ग्रुप वर्क टुगेदर, ठीक है, और ग्रुप वर्क करने में के हक में तो आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो इसलिए क्योंकि आप लोग पहले ही बहुत ज़्यादा डिसार्ड हुए हुए हैं। इस डिसएडवांटेजेस को जरा रीड आउट करें स्लाइड को दो तीन दफा, शाबाश।
ओके, होपफुली आप लोगों को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में देखें, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद वन इंडिविजुअल, एक बंदे के साथ इंट्रापर्सनल. ठीक है, इंटरपर्सनल जो है वो बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स. रिफ्रेश करें आप अपने इंटरनेट. ठीक है, इंट्रापर्सनल में क्या है कि आपका एक इंडिविजुअल के साथ है. ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, दो लोग आपकी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या होगा, वो इंट्रा पर्सनल होगा. और अगर एक ग्रुप है तो वो इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट होगा. यानी कि ग्रुप में हम ग्रुप कब कहते हैं कि ये ग्रुप हो गया, जब तीन से चार लोग जो हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं और तीन से चार लोग एक साइड पे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप बन गया. तो अगर विद इन द ग्रुप रहेगा तो हम उसे इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहेंगे, और अगर बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहेंगे. ये एक जो है वो स्केमेटिक डायग्राम है रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल. ऊपर आप देखें एंटी डिसेंडेंट कंडीशन. एंटी डिसेंडेंट कंडीशंस क्या होती हैं, कि जो आपकी पुरानी जड़ों में मौजूद चीज़ें जो है वो क्या है, रूट कॉजेज क्या क्या हैं. ठीक है, उधर से कन्फ्लिक्ट रेज कैसे हो रहा है. ठीक है, उसके डायरेक्ट भी हम आउटकम्स देख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा एक प्रसीव्ड कन्फ्लिक्ट होता है और दूसरा फेल्ट कन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है, मतलब प्रसीव्ड कौन सा है, जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस लेवल पे जाके होता है, और एक वाकई जो आपको दिख रहा होता है और आप उसे महसूस कर रहे हैं वो क्या है, वो फेल्ट कन्फ्लिक्ट है. ठीक है, उसके बाद आपका कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर हो जाता है. ठीक है, फिर दो कंडीशंस होती हैं, जिस तरह डिजीज़ या तो स्प्रेस हो जाती है या फिर वो एलिवेट हो जाती है. तो इसी तरह से है कि कन्फ्लिक्ट या तो रिजॉल्व हो जाएगा या स्प्रेस्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो क्या है फिर आप उससे आउटकम उसके जज कर लेते हो कि इसके क्या आउटकम हो सकते हैं. ठीक है, एंटी डिसेंडेंट कंडीशंस के तो ऑलरेडी जो भी आउटकम्स हैं वो आ ही रहे हैं रूट कॉज होने की वजह से, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज ज़रूर होती है. ठीक है, उसकी एक लीनिएज होती है और जो कि पुरानी चल रही होती है. तो ये थॉमस ने 1976 के अंदर आपको ये बताया था इसके बारे में. एंटी डिसेंडेंट कंडीशन देखें, एंटी डिसेंडेंट कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन कन्फ्लिक्ट. ठीक है, प्रोपेल पुश अ सिचुएशन टुवर्ड्स कन्फ्लिक्ट. ठीक है, मतलब ऑलरेडी एक चीज रूट में मौजूद है. ठीक है, रूट में मौजूद होने की वजह से वो उसको क्या करेगी, वो चीज़ ऑगमेंट करेगी ना, पुश करेगी, प्रोपेल करेगी न्यू सिचुएशन को, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगी वो रिजॉल्विंग नहीं होगी. सो एंटी डिसेंडेंट कंडीशंस जो होती हैं वो ऑलरेडी एसोसिएटेड होती हैं विद इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट. नर्सिंग के अंदर अगर देखा जाए तो इनकॉम्पैटिबल गोल्स आ जाते हैं, जैसे डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीफ. ठीक है, आपके ख्यालात नहीं मिलते. ठीक है, आपका बिलीफ नहीं मिलता. कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं. ठीक है, एसिमेट्रिक डिपेंडेंसीज आ जाती हैं. ठीक है, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं लेके आते कि कोई टीएल है, मैनेजर है, उसने मुझे कोई ऑर्डर दिया है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं. ठीक है, अगर कल्चरल बेसिस के ऊपर अगर मिसाल के तौर पे कोई इंडियन नर्स यहाँ पाकिस्तान के सेटअप्स में बुला ली जाए और उनको कहा जाए कि आप काउ मीट खाना शुरू कर दें, तो वहाँ पे उसके वैल्यू बिलीव्स चेंज हो जाएंगे. ठीक है, वो मतलब वो वैल्यूज चेंज होंगी, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है उसका अपने बाकी कलीग्स के साथ या इवन पेशेंट के साथ. ठीक है, सो इस किस्म की कंडीशंस जो है वो रेज होती हैं वैल्यू बिलीव और कल्चरल डिफरेंसेस की बेस के ऊपर. अनक्लियर और एम्बिगुअस रोल. ठीक है, जब आपको काम आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ हो और आपसे करवाया कुछ जा रहा हो, ठीक है, तब भी कन्फ्लिक्ट रेज होता है. मिसाल के तौर पे नर्सिंग का काम है ना, एक नर्स का काम है पेशेंट की केयर देना, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना. ठीक है, लेकिन आप केयर प्रोवाइड करने के अलावा, उसकी मेडिकेशन करने के अलावा, उसकी हॉलिस्टिक केयर करने के अलावा, आप अगर वार्ड के दूसरे क्लीनलीनेस के काम या अदर देन मिसलिनियस में कोई भी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कि उसका पार्ट नहीं है आप करवाना शुरू कर दें. और अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लड़ पड़ते हैं या स्टूडेंट्स इस चीज़ को माइंड करते हैं कि हमें सिर्फ हम हमारी जेडीज तक रखा जाए, और ऐसा होता है, करवाया जाता है. ठीक है, जब आप स्टूडेंट होते हो तो तब भी कन्फ्लिक्ट रेज होता है. ठीक है, उसके कन्फ्लिक्ट भी यही है कि एक चीज़ जो कि क्लियर है लेकिन आप उससे डेविएट कर जाते हो एक्चुअल चीज़ से. ठीक है, वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, अपनी जेडीज को ही ले लें. उसके बाद कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेस. ठीक है, इसी तरह से वार्ड, एक वार्ड का मैनेजर है, वो दूसरी वार्ड के मैनेजर के साथ क्या करेगा, कंपटीशन करेगा रिसोर्सेज पे, कि मतलब इसको एट दी एंड फेस्ट
फिजिकल ईयर के ऊपर कितना बजट दिया गया और मुझे कितना बजट दिया गया, ठीक है, या मैं मुझे इतना बजट दिया गया था तो मैं अपनी वार्ड के अंदर ये अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती थी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती थी। तो एक तरह से एक आपका कह सकते हैं कि एक कंपटीशन रिसोर्स के लिए आप टीम लीडर के लेवल पे या मैनेजर के लेवल पे एक दूसरे से आप कॉम्पीट कर रहे होते और कन्फ्लिक्ट वहाँ पे रेज होता है किसी ना किसी बात पे। वैल्यू बिलीव्स मैंने आपको समझा दिए, वैल्यू बिलीव फूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, तो ये आपका फेल्ट कन्फ्लिक्ट हो, चाहे इंट्रा पार्टी है, इंटर पार्टी है, क्या इंट्रा इंडिविजुअल है, इंटर इंडिविजुअल है, या इंट्रा ग्रुप पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहता, ठीक है, आप अपना एग्रेशन शो करने के लिए जो है वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चुरा के या उस चीज से भागना चाहते हो, अवॉइडेंस है, रिजॉल्व हो जाता है, या फिर वो स्प्रेस हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, रिजॉल्व कब हो सकता है, म्यूचुअली एग्रीड अपॉन सॉल्यूशन इज अराइव्ड एट एंड बोथ पार्टीज कमिट देमसेल्व्स टू कैरिंग आउट द एग्रीमेंट। अब दो पार्टीज के दरमियान में अगर एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, कि आप ये काम हमारे लिए कर लें, हम ये काम आपके
लिए कर लेते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए पीस अगर तो हमने उसको रिजॉल्व किया है, हम रेजोल्यूशन की तरफ गए हैं, तो हम लोग विनर्स होंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम ब्रांड विजुअल आपने उनको ब्लेम गेम में ले, जाना एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना। ठीक है कि ये तुम्हारी वजह से है,